हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज फिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वेबसाइट का नाम है screener.in, जिसका कि मार्केट कैप 2,34,839 करोड़ का है। स्टॉक 5.01 है, ROC 8.09% और ROE 7.17% का। करेंट प्राइस 166 रुपया, जो कि आज के दिन में डाउन ट्रेंड बना था इस शेयर में 2.20% का। 52 का हाई लो 197 रुपया एवं 76.80 रुपया। डिविडेंड यील्ड 3.00% का, फेस वैल्यू 10 रुपया। आज हम इस शेयर में कवर करने वाले हैं एक खास न्यूज को, जो कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 4010 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015, जो कि 3 आवर्स पहले का है, 3 घंटा पहले इसमें एक न्यूज निकल करके आया है, जिसको कि देखना ज़रूरी है और देखेंगे भी, आगे में कवर करते हैं। हाँ, तो इस शेयर में दोस्तों करंट में न्यूज है 15 अप्रैल 2024 का, जो कि इस प्रकार है, सब्जेक्ट कंप्लायंस विथ रेगुलेशन 4010 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015 परसुआन टू रेगुलेशन 4010 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015 वी आर इंक्लूजिंग हेयर विथ अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, डली साइनड बाई श्री एस आनंद एस एस राव प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। देख सकते हैं दोस्तों इस शेयर में अपडेटेड न्यूज, जैसा कि एस आनंद एस एस राव MCOM LLB FCS कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 49 ऑफ सेवे लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024। इस न्यूज में जैसा कि बताया गया है कि इनको किसी भी प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किस किस से संबंधित, तो आइए देख लेते हैं। नो रिक्वेस्ट्स रिसीव्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्स सब डिविजन्स कंसोलिडेशन रिन्यूअल स्प्लिट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड इन फिजिकल मोड ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024। ये इतनी अच्छी न्यूज है, जो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव सोच लाती है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी न्यूज है इस शेयर के लिए। इस न्यूज के वजह से नेक्स्ट डे इसमें मेरे आइडिया अनुसार अप ट्रेंड बनेगी, इस शेयर में 100% अप ट्रेंड बनेगी। हाँ, तो दोस्तों एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। चलते हैं आप BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर देखते हैं शेयर प्राइस 166 रुपया 50 पैसा है। IOCL का शेयर प्राइस 52 का हाई है 196 रुपया 80 पैसा और लो है 76 रुपया 76 पैसा। EPS 5 रुपये 86 पैसा। 15/4/2024 का कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन सेम है, वही न्यूज है। आज का डिलीवरी पोजीशन थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। ट्रेड डेट 15 अप्रैल 2024 1600 बजे का, क्वांटिटी ट्रेडेड 27,35,220, डिलीवरी क्वांटिटी
10,98,523, डिलीवरी परसेंटेज रहा 40.16%। डिलीवरी परसेंटेज उस तरीके का तो नहीं है जैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी 1 से 2 दिन और भी डाउन ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जो न्यूज है वो इस शेयर पे हावी हो सकता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार, सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों।